तो हम वीलू का भी कुछ चीजें करने वाले हैं आज आपके साथ डिस्कस, उस पर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम लिखते हैं, मैं लिख रहा सुजीत, नेम नहीं मांग। यहाँ पे मान लीजिए कि सेल्स है, हमें सेल्स की यहाँ की बात करते हैं। सेल्स है हमारे पास, सेल्स में हम यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉमा 90। अब मुझे इसमें इंसेंटिव देना है, हमें क्या देना है, इसमें इंसेंटिव देना है, इस पे हमें इंसेंटिव देना है कि अगर 0 से लेके 20 40 हुआ तो हम इसको 500 रुपये देंगे, ठीक है। 41 से लेके 80 हुआ तो इसको हम 1000 देंगे, 1000। 81 से लेके 100 हुआ तो इसको हम 1500 देंगे, और ग्रेटर देन 100 में 2000 देंगे। या ये हमारा इंसेंटिव प्लान है। तो इसके लिए आपने बड़े सारे फॉर्मूले इफ के लगाए थे, याद है। इसको वी लुकअप के जरिए भी हम कर सकते हैं। कैसे? बस आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन सबको लिखना है। यहाँ पे लिखो 0, स्टार्टिंग पोजीशन 41, 81 एंड 101, और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप। इसको लुकअप करना है किसके अंदर में, तो इस डेटा के अंदर में, ठीक है, कॉमा। अब इसमें हम टू दूसरा नंबर चाहिए, दूसरा दे देते हैं। और यहाँ पे जो जीरो, यहाँ पे हम लोग जीरो डालते थे ना, मतलब कि फॉल्स डालते थे, फॉल्स के जगह ट्रू या फिर वन डाल दीजिए। सर टू किस चीज के लिए लगाया सर आपने? यहाँ 500 नंबर देखना है ना, मैं कॉलम वन वन टू वन और टू, ना, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 1000 आ गया, तो 1000 कहाँ में रजिस्टर कर रहा है, 1000 इस पे रजिस्टर कर रहा है ना। क्यों आया, कैसे लुकअप होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप लुकिंग। तो 65 ना, तो ये देखा है कि 60 किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो इसने देखा कि 61 से एक, ये आपको सिक्वेंस में होने चाहिए। इसने देखा कि 41 से बड़ा और 81 से छोटा है तो ये 100 दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 85 डालूँ तो यहाँ 1500 आएगा। फिर देखा क्या हुआ कि 101 से छोटा एंड यहाँ पे 81 से बड़ा है, तो ये शो कर दिया। तो इस तरह से ग्रुप करता है कि 81 से बड़ा और 101 से छोटे वाले को हमेशा ये शो करेगा। अच्छा, तो सर एक चीज किसी ने पूछना मुझे, जैसे कि जो हम इफ लगाते हैं, कंडीशन देते हैं, इफ के अंदर तो बहुत बड़ा फॉर्मूला जाता है इसी चीज का, हाँ, तो उसकी जगह सर हम इसी को इस्तेमाल करें तो कोई, बस इफ का फॉर्मूला जो होता है ना वो हर कंडीशन को फॉलो करता है, चाहे न्यूमेरिकल है या आपका डेट है, टाइम है, सब पे फॉलो करता है। ये सिर्फ नंबर पे फॉलो होता है, या फिर डेट एंड टाइम पे फॉलो कर सकते हो आप। हाँ, जैसे समझो ना कि अब यहाँ पे मान लीजिए ना कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक क्या सेल थी, तो कोई भी डेट डालोगे तो बता देगा वहाँ पे, पीरियड के जोन वगैरह इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वी लुकअप में वन डालने का फंडा समझ में आ गया आप लोगों को, कि हम वी लुकअप में वन क्यों डालते हैं। जब किसे डालते हैं तो ट्रू फॉल्स के लिए डालते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब हाँ, जीरो जीरो किसकी वैल्यू मतलब सेट करना एग्जैक्ट तो जीरो के, वैल्यू, हाँ, और एग्जैक्ट मैच ना करना हो, इस तरह से ग्रुप लुकिंग करना हो तो फॉर और ट्रू मतलब कि वन। सब जगह पे ट्रू मतलब वन होता है, 0 इट मीन्स फॉल्स, 1 इक्वल ट्रू, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है लुकअप। लुकअप भी सेम काम करता है। लुकअप लुकअप में हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, किसको लुकअप करना है, तो मुझे 85 को लुकअप करना है। और इसमें हमने रिजल्ट वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, सॉरी लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर, दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इन दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा सर, थोड़ा खुल के बताइए सर। लुकअप में सिंपल सी बात है ना कि इसमें देखा कि जो बीच वाले वैल्यू है उसके सामने वाला दिखा रहा है। जैसे वी लुकअप यूज कर रहा है ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो हमने क्या किया, वी लुकअप में रेंज इकट्ठा दिया है ना, A1 से पूरा इकट्ठा दिया, या हमें दोनों का अलग देना हो सकता है। इसमें दो ही कॉलम आएंगे, दो ही कॉलम सर इसके आएंगे, अंदर जैसे वो ट्रू और फॉल्स वाला कोई वो नहीं है। नहीं, सिस्टम नहीं, ये हमेशा इस तरह से लुकिंग करता है। और इसका इसको बेसिकली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वी लुकअप में मान लो ये डेटा मुझे रखना पड़ेगा,
मैं चाहता हूँ डेटा फॉर्मूले के अंदर में हो, बाहर ना हो, जैसे इफ में फॉर्मूले के अंदर था। तो उसके लिए हम लुकअप यूज करेंगे। लुकअप इस पे जाएंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम दे देंगे 0, 41, 81, 101। ठीक है, और फिर वापस हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे 500, 1000, 2000, 1500, हाँ 15000, 1500 है माफ कीजिएगा, एंड 2000, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, आया नीरज जी समझ में? यस सर। अजय जी आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, ये चीजें भी यूज करते हैं तो लुकअप की चीज। हाँ हाँ समझ में आ गया, सुन गया सर, क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हमने डेटा में जा रहे थे, डेटा में हमने एक्सटर्नल डेटा क्या बना था। इसमें एक और आता है, वो आता है आपका फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, इसको यूज नहीं किया था हमने, नहीं पढ़ा था ना। लेकिन अभी क्या है कि और कुछ लोग नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं, इसको हम ट्यूजडे को करेंगे। ठीक है, आज जो है कुछ और नई चीज़ आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि वी लुकअप में ही मल्टी शीट वी लुकअप बताया आपको मैंने, बताया मल्टी शीट वी लुकअप समझ में आ रहा है। एक आता है वी लुकअप लिस्टिंग, वो आपको बताना है। अब वी लुकअप लिस्टिंग क्यों यूज होता है, तो इसके लिए हम बड़े से डेटा पे आते हैं। अब इस डेटा को कॉपी करके यहाँ ले जाते हैं नए इसी सीट पे। तीसरी सीट पे अभी क्या है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि नेम है हमारा, मैं यहाँ पे नेम लिखना चाहता हूँ। हेलो हेलो, हाँ दीपू, हाँ आ जाओ, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे नेम होगी। अब यहाँ पे मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया सुशील, सुशील लिखा, और सुशील लिखते ही यहाँ पे सारे चीज आ जाए, मैं सुशील का डेटा उठ के आ जाए। हाँ, इस तरह से लिस्ट की तरह से लगाना, चाहे एक बार हो चाहे 10 बार हो। यहाँ पर असर हम जिसे जिसका भी नाम डाले उसी का डेटा आ जाए, ये भी हो सकता है ना, उसी का डेटा आएगा। ये जब हम सुशील डालते हैं तो यहाँ पे सुशील का डेटा ही आना चाहिए। फिर फिल्टर यूज कैसे करते हैं, हमारे फिल्टर में गए और फिल्टर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया सुशील, यहाँ पे मान लो कि मैंने लिख दिया रवि, तो यहाँ पे सिर्फ रवि का डेटा आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। उस तरह से ये डेटा यहाँ ना आके किसी अगले सीट पे आने चाहिए। इसके लिए यूज करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट, नहीं सर इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी भी यूज कर सकते हैं। चलो इसको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम है कि इसमें नहीं आ सकता, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक अलग कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। इसमें हम काउंट इफ लगाएंगे। तो सर काउंट इफ क्या करता है, तो काउंट इफ काउंट करता है, जैसे पहले बता चुका हूँ आपको मैं, काउंट इफ इस पूरे कॉलम को काउंट करेगा यहाँ से। 618 दिखा दिया, जहाँ जहाँ मयंक है हर जगह 618 दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। हाँ, लेकिन हम काउंट इफ को अगर एक तरीके से लगाए, तरीका क्या है कि काउंट इफ हमने यहाँ पे स्टार्टिंग इसको सेलेक्ट किया, इस कॉमा इसको सेलेक्ट कर दिया, मतलब बोला बी टू से बी टू एंड बी टू, बी टू से बी टू एंड बी टू, तीनों सेम याद रखिएगा। और हम पहले वाले बी टू को फ्रीज कर देंगे, ठीक है, और इसको ड्रैग कर दीजिए। ये क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर क्रिएट कर देगा। यहाँ पे नीरज पहला नीरज आ रहा है, और जहाँ पे जैसे दूसरा नीरज मिलेगा वहाँ 2 दिखा देगा, ऐसे जहाँ तीसरा नीरज दिखेगा 3 दिखा देगा।
अगर मैं इसको फिल्टर करूँ ना, बता दूँ आपको, जैसे मैं कविता को फिल्टर करता हूँ, तो देखिए पहला कविता, दूसरा कविता, ऐसे ही नीचे तक गया हुआ है, और डेटा मेरा काफ़ी ज़्यादा है तो मैं डेटा कम कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखेगा ना सब चीज़। अच्छा स्क्रीन आपको भी जाम है क्या नीरज जी? हाँ सर, वो रुक रुक के आ रही है क्या स्क्रीन? कभी कभी रुकती है, ज्यादा नहीं रुकती है सर। अजय जी देख लीजिए आपके एंड से, आज मेरा कुछ नहीं दिक्कत है, सब ठीक ठाक चल रहा है, और मैं अभी भी 7 से 8 की क्लास ली है, उसमें फर्स्ट क्लास चल रहा था मैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पता नहीं सर, किया, अटक रहा है यार। देख लो सर मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, एन परसेंट सिंगल कोट कॉमा, फिर यहाँ पे लगाया, फिर एन परसेंट, और फिर हमने मैंग दे दिया। ठीक है, हो गया, एक मैंग, दूसरा मैंग, ऐसे क्या होगा, एक यूनिक बन गया, क्या बन गया, यूनिक। उसके बाद हम यहाँ पे भी वन लिखते हैं और यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप हमने इसको कॉनकटा नेट लगाया और इसके साथ, सॉरी, इसके साथ मर्ज किया इसका नाम कॉमा, इसमें यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे कितने, 2 चाहिए, नाम सिटी चाहिए ना, पहला दूसरा तीसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, ओके। तीसरा कॉमा 0 ठीक सुशील एक ही बार है क्या? सुशील है ही नहीं, माफ, सुनील है, माफ कीजिएगा, सुनील, सुनील पहला आ गया। देखिए यहाँ पे कानपुर होगा इसके, सीधे कानपुर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये पुणे आएगा, क्योंकि तो दूसरे सुनील का आगे पुणे होगा, दिख रहा है ना? तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और इसको नीचे तक मुझे लगाया कि मेरे पास जो है 50 है या 100 है, मैंने एक नीचे ड्रैग कर दिया सीरियल नंबर, और फिर मैंने ये सारे फॉर्मूला, इसमें इसमें एरर नीचे आएगा तो हमने इफ एरर लगा दिया ताकि एरर ना आए। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, लेकिन ड्रैग करने से पहले इसको ऊपर वाले को फ्रीज करना पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, सिटी सिटी नहीं आया, वो मेरी गलती थी। आ गया, कानपुर यहाँ तक आ गया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे तीन की जगह 4 कर देंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, 4 की जगह यहाँ पे 5 कर देंगे, फिर यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, और इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं और नीचे तक इसको, ठीक है, आ गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ नीरज, नीरज डालते हैं, क्या हुआ, नीरज का डेटा 16 था, 16 तक आया, लेकिन ये फालतू में बना हुआ है, मैं चाहता हूँ फालतू में ना बने, तो यहाँ पे आप एक काउंट इफ लगा लीजिए। काउंट इफ से क्या होगा, ये बताएगा कि इस पूरे रेंज में नीरज कितना बार है। इसको उठा कर मैं यहाँ रख देता हूँ, टोटल रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड 16। ठीक है, अब यहां पे मैं A1 तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर इसमें मैं +1 करता हूं, अगर O ग्रेटर देन 16 है तो यहां पे ब्लैंक आ जाए, नहीं तो ऊपर वाले में ब्लैंक
प्लस वन करें। हमने क्या कमांड दिया, हमने दिया कि अगर ऊपर में एक जोड़ने के बाद ऊपर में प्लस वन सीरियल नंबर इंक्रीज करने पे अगर सीरियल नंबर का काउंट इस टोटल ऑफ रिकॉर्ड से ज्यादा होता है तो ब्लैंक कर दे, वरना प्लस कर रहा है तो उसको करने दे। फिर यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ एरर यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, लेकिन इसे ड्रैग फ्रीज करेंगे एलेवन को, हो गया। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, आ गया। अब यहाँ पे मैं नीरज लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुनीत, ठीक है, मैं लिखता हूँ रवि, तो अपना चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या डाउट है आपको बताइए, ये क्या समझ में इसमें नहीं आया आपको? देखिए VLOOKUP को चाहिए एक यूनिक आईडी। VLOOKUP कहता है कि अगर नाम डुप्लीकेट है या नंबर डुप्लीकेट है तो मैं सबसे पहला को उठाऊंगा, बाद बाकी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। ये जो बनाया आपने यूनिक B2 को, आपने B2 से B2 फिर किया? हाँ, मैंने यहाँ हुआ क्या, मैंने इसको काउंट कर रहा हूँ, मैं बोला काउंट क्या करो कि हमेशा अपने से ऊपर वाले में काउंट करो, नीचे काउंट मत करो। तो ये काउंट कर रहा है बी से बी में कर रहा है, ए कर रहा है B2 से B3 में काउंट। देखिए ये जो कर रहा है B2 से B3 मतलब कि ए। अब नीचे इसमें दो बार आएंगे दो ही दिखाएगा ना, यहाँ ढूंढ रहा है तो हमेशा अपने से ऊपर वाले में ढूंढ रहा है। जैसे ये देखो ना कभी तो यहाँ पे मान लीजिए कि पुनीत चार बार आ रखा, तो ये इतना देख रहा है, इसमें देखा है पुनीत चार बार आ रखा है, और यहाँ पे जब जिसने देखा तो पुनीत तीन बार था इसमें, यहाँ पे देखा था दो बार था। तो हमने रेंज को डायनेमिक कर दिया यहाँ पे, और उसके अब यूनिक नंबर यूनिक करना था हमें, तो हमने उसके साथ उसके नाम को कॉन्कनेट कर दिया, जैसे जिससे क्या होगा बन गया एक यूनिक आईडी बन गई कि नीरज वन पुनीत वन सूरज वन, इस तरह से वन 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 हो गया, ठीक है। कोई डाउट अजय जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, समझ में आया, और आज का वीडियो देख लूंगा। नहीं समझ में आया? अब इसी को हम इसकी इसी काम को हम SQL सर्वर के जरिए कैसे करते हैं देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ एक नाम से, मान लो कि मैं सेव करता हूँ सी ड्राइव में, ई ड्राइव में दे देता हूँ, फाइल्स के अंदर नहीं, ये बाहर ही कर देता हूँ, पावर पिवट के नाम से, सॉरी इसको SQL के नाम से सेव कर दिया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इस डेटा लेके आना है, तो हम उसके लिए डेटा में जाएंगे और जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, किस पे जाएंगे? ओके, यहाँ पे एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ओके। अब यहाँ से ई ड्राइव में जाएंगे, ई ड्राइव में SQL है उसको ओके okay. यहाँ पे शीट्स के सारे नाम आ जाएंगे, अगर शीट के सारे नाम नहीं आते हैं तो ऑप्शन में जाके सिस्टम रूल्स पे क्लिक कर दीजिए देन ओके। और किस शीट में डेटा था, वन शीट में खोल के देख सकते हैं कि हाँ यही था, ऐड कर दीजिए। ए चाहिए या कुछ और भी चाहिए, मतलब कोई कॉलम नहीं भी चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो। नेक्स्ट, अब कंडीशन किस पे लगानी है, तो नेम पे लगानी है। अब यहाँ पे क्या है कि सिटी नेम सही है, नेम पे लगानी है। नेम क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला इक्वल टू होना चाहिए रवि, ठीक है। कोई और कंडीशन लगाना लगा दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शॉर्ट करना है, शॉर्टेड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नहीं शॉर्टेड नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। नेक्स्ट, और यहाँ पे रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिनिश एंड ओ, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे अभी तो पूरा आया, मतलब इसका आया है, रवि का आया है सिर्फ, ठीक है, रवि का सिर्फ आया।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नाम चेंज हो तो यहाँ पे चेंज हो जाए, ठीक है, तो यहाँ चेंज हो जाए, तो आई टू है ना, क्या है आई वन, यहाँ मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए ने डाल दिया सुनील, चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे लिंक नहीं किया अभी। तो लिंक कैसे करेंगे, तो लिंक करने के लिए हम जाएंगे डेटा के कनेक्शंस के अंदर में और इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के डेफिनेशंस है। यहाँ पे रवि लिखा हुआ आ रहा है, जो रवि लिखा आ रहा है को सिंगल कोट के साथ, तो सिंगल कोट के साथ इसको डिलीट करके इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, क्या दे दीजिए, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दे के जैसे ओके करेंगे ना उसे पूछेगा पैरामीटर, पैरामीटर में दोनों नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए एंड ओके एंड क्लोज। देखो आगे सुनील का डेटा, यहाँ नीरज कर दीजिए, नीरज का डेटा आ जाएगा, यहाँ पुनीत का डेटा, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, सिटी पहले आ गया, नेम बाद में आया, नेम नहीं चाहिए मुझे तो नेम भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी इसके लिए यूज करते हैं। एक बार दोबारा करके दिखाता हूं कैसे करता हूं, मैं जाऊंगा फ्रॉम यहां पे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट सोर्सेस, सबसे लास्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे जाएंगे और यहां पे एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, यहां से ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और यहां से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है एंड ओके। फिर किस टेबल, इसमें है मेरा, तो ये आ गया। अब इसमें नाम देख रहे हो, नाम क्या सबसे लास्ट पर, हमें नाम सबसे पहले चाहिए, ठीक है, जो सीक्वेंस में चाहिए वो सीक्वेंस में आप सोचे, डेट नीचे चाहिए, एमआरपी क्वांटिटी से पहले एमआरपी चाहिए, अपने हिसाब से अरेंज कर लो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं नेम के ऊपर या सिटी, इस बार सिटी के ऊपर लगाना चाहता हूँ, सिटी के ऊपर मैं यहाँ पे नेम और सिटी दोनों लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मुझे पुनीत चाहिए फलाने सिटी में, तो मैंने यहाँ पे नेम भी ले लिया, यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे मैंने कर देता हूँ रवि, और फिर मैं सिटी लिया और सिटी में कर देता हूँ मैं इक्वल पुणे, दो करने से ले लिए। नेक्स्ट, शॉर्टिंग का शॉर्ट करना नहीं करना है शॉर्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश एंड ओके, आ गया आपको पुनीत पुणे में। अब इसकी क्वेरी को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ कि भाई नेम नेम होना चाहिए, मान लीजिए मैंने डाल दिया रवि, डाल देता हूँ रवि, और सिटी सिटी होना चाहिए नोएडा, ठीक है। उसके बाद मैं डेटा पे जाता हूँ, कनेक्शन पे जाता हूँ और जो यहाँ दूसरी कनेक्शन है उस पर सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज डेफिनेशंस, और यहाँ पे देखिए अभी जो दो चीज़ें रवि है तो रवि को डिलीट करना है और ये सिंगल कोड भी डिलीट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा ये एसक्यूएल क्वेरी कमांड है, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्वेश्चन मार्क किसके लिए, सिटी के लिए, दूसरा उसके लिए, देन ओके। पैरामीटर वन, पहली पैरामीटर हमने सेलेक्ट कर दी, इसमें क्या सेलेक्ट कर दिया रवि, देन ओके। दूसरी पैरामीटर, दोनों पे रेफरेंस या यूज द रेफरेंसेज फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेज या फिर ऑटोमेटिकली चेंज, वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे नोएडा, ओके। अब यहाँ पे आ गया नोएडा का, आ गया मैं नोएडा में चाहिए, मैं चाहता हूँ नोएडा में इंदर का हो, इंदर इंदर नहीं है, कविता 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 का एक है इसलिए आया, और नोएडा की जगह मैं कविता का पुणे देखना चाहता हूँ, पुणे इतना है, मैं कानपुर देखना चाहता हूँ, कानपुर एक ही है, दिल्ली देखना चाहता हूँ, दिल्ली नहीं है, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करो। अब मैंने आपको जो अभी जो बी लुकअप का पार्ट बताया ना, जो बी लुकअप की चीजें मैंने बताई है, इसमें एक छोटा सा काम आपको करना है, वो काम क्या करना है, टोटल ऐड करना है, हाँ नीचे जैसे डेटा 25 पे खत्म हो रही है तो टोटल यहां पे दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन कल के डेट में अगर डेटा चेंज होता है, जैसे मैं यहां पे कर देता हूँ ये कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ सुनील,
सुनील तो अभी कहाँ दिख रहा था, वो दिख रहा था 25 कदम था, लेकिन 18 है, तो अपने आप ऊपर नीचे, मैं ए भी डेटा की तरह अपने आप ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है? ये आपका काम है, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, हाँ ये वाली फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस कराए थे वो तो डिलीट कर दी, नहीं किया ना, सेव करके बंद किया ना, ठीक है।